हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने केमिस्ट्री चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस हम देखते हैं इक्विलिब्रियम में, ओके। और यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो हम थ्री कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, ओके। तो अगर हम देखें तो एसिड एंड बेस थ्योरी, एसिड्स एंड बेस थ्योरी, ओके। सो हम यहाँ पर अरेनियस कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओके। अरेनियस कॉन्सेप्ट ये सबसे पहले आया अराउंड 1923 में, के अरेनियस कॉन्सेप्ट देखते हैं। और ये सबसे पहले आया 1887 में दोस्तों, ओके। अरेनियस कॉन्सेप्ट के बाद जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे वो होता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ओके, जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आया 1923 में, जैसा आप देख सकते हैं 1887, देन आफ्टर दैट 1923 में आया, ओके। इसके बाद में हम देखेंगे लेविस कॉन्सेप्ट, मतलब लेविस कॉन्सेप्ट या लेविस ने किस तरह से एसिड्स एंड बेसिस को एक्सप्लेन करा, और ये एक्सप्लेन करा है 1938 में, ओके। तो अगर आप अरेनियस कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट इसको समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देख सकते हैं, जिस वीडियो में मैंने अरेनियस कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए दोस्तों, ओके, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ओके, कब आया था ये 1923 में, ओके। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड्स एंड बेस क्या होते हैं देखते हैं। देखिए एसिड्स क्या होते हैं, जो डोनेट करते हो एच पॉजिटिव, ओके। एसिड्स क्या कर देंगे, एच पॉजिटिव डोनेट करेंगे, और बेस जो होते हैं वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, ओके। नाउ एसिड जब एच पॉजिटिव को डोनेट कर देगा तो जो बाकी स्पीशीज बचेगी उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ओके। वहीं पर अगर एच पॉजिटिव हमने बेस में ऐड कर दिया तो जो करस्पॉन्डिंग स्पीशी बनेगी उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर ये आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए प्रोटॉन एच पॉजिटिव को आप क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन। तो एसिड ने अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एच पॉजिटिव को डोनेट करा, एच पॉजिटिव मतलब क्या, प्रोटॉन। तो हम इस एसिड को प्रोटोजेनिक भी बोल सकते हैं, प्रोटोजेनिक, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है प्रोटॉन को। वहीं पर अगर हम देखें तो बेस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एच पॉजिटिव को, तो हम इसको प्रोटोफिलिक को भी बोल सकते हैं, प्रोटोफिलिक भी बोल सकते हैं, ओके। तो अगर आप ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट को देखें तो एसिड्स एंड बेस कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए एसिड्स या बेस ये आपके न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं दोस्तों, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के। चलिए अब देखिए, अगर हमने एसिड से एच पॉजिटिव निकाला तो अभी मैंने आपको बताया क्या मिल जाएगा हमको, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा, ओके। अब देखिए अगर एसिड जो है आपका वो वीक है, अगर एसिड आपका वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, इट्स कॉन्जुगेट बेस वो होगा स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी का अगर हम रिवर्स कहें, मतलब अगर कहें हम कि एसिड है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग, तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक, ओके। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अमोनिया,
अमोनिया को अगर हम देखें तो ये एक वीक बेस है, वीक बेस है, और देखिए यहाँ पर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, अमोनियम आयन। अब देखिए वीक बेस, तो इसका ये अमोनियम आयन क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड है और बेस है वीक, तो कॉन्जुगेट एसिड कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया दोस्तों। ओके, वहीं पर अगर मैं कहूं आपसे HBr इस तरह से आपको H पॉजिटिव दे सकता है और Br नेगेटिव देता है, तो अगर HBr को मैं कहूं कि ये एक स्ट्रांग एसिड है, ओके, तो ये इसका क्या है कॉन्जुगेट, ये इसका क्या है कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एसिडिक नेचर ऑफ मीथेन, देन आपका NH3, देन आपका H2O, देन आपका HF। ओके, अगर मैं आपसे कहूं ये ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CH4 अगर H पॉजिटिव देगा तो ये आपको CH3 नेगेटिव मिल जाएगा। अगर आप NH3 के लिए देखोगे तो NH3 H पॉजिटिव देने के बाद में क्या बचेगा, NH2 माइनस। अगर मैं कहूँ H2O तो H2O H पॉजिटिव देने के बाद में OH माइनस बनेगा, और अगर मैं आपसे कहूँ HF तो HF अगर H पॉजिटिव देगा तो क्या मिल जाएगा आपको, F नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँ कि इन सभी केस में H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, तो अगर जैसे फर्स्ट केस देखें तो यहाँ पर मीथेन क्या है, एसिड, और CH3 नेगेटिव क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ मीथेन। ओके, CH3 नेगेटिव क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ मीथेन। तो अगर एसिडिक ऑर्डर ये है तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, तो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रांग एसिड है HF, तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, सबसे वीक होगा। ओके, तो अगर मैं इनके कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर लिखूं तो F नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव, एंड देन CH3 नेगेटिव। ओके, तो ये किसका नेचर आ गया, बेसिक नेचर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं एसिड या फिर बेसिक नेचर को भी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि एसिड्स क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को रिलीज करते हो, बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो। ओके, और आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों, अगर कोई ऐसी स्पीशीज हो जो डोनेट भी कर सकता हो, जो कि डोनेट कर सकता हो एंड एक्सेप्ट भी कर सकता हो प्रोटॉन, ओके, मतलब ऐसी स्पीशीज जो डोनेट भी कर रही हो और एक्सेप्ट भी कर सकती हो, किसको, प्रोटॉन को। ओके, मतलब वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ओके, या फिर एम्फी प्रोटिक स्पीशीज। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ HCO3-, ठीक है, HCO3- H पॉजिटिव को डोनेट भी कर सकता है और HCO3- प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो इन दिस वे वी कैन सी कि हमारा HCO3- ये क्या है, एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक है।
या फिर हम क्या बोल सकते हैं एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो देखिए एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ओके। और प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सकता है तो फिर हम बोल देंगे उसको एम्फीप्रोटिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको HPO4-2, ये H पॉजिटिव को गेन भी कर सकता है और HPO4-2 ये H पॉजिटिव को रिलीज भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं HPO4-2 आपका एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब प्रोटोजेनिक भी हो सकता है, प्रोटोफिलिक भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर ये आपका क्या कहलाएगा, एम्फी प्रोटिक। ओके, एम्फी प्रोटिक है कौन, HPO4-2। दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखते हैं मेरिट्स, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के मेरिट्स क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मेरिट अगर हम देखें तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन विदाउट वाटर। देखिए दोस्तों ये 1923 में आया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट 1923 में आया था, और इससे पहले जो 1887 में आपका अरेनियस कॉन्सेप्ट था, तो अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि जितने भी एसिड्स होंगे वो वाटर में क्या रिलीज कर देंगे, एच पॉजिटिव, और बेस वाटर में OH नेगेटिव रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने आपके काफ़ी सारे एसिड्स जो एसिडिक नेचर शो कर रहे थे बट वो वाटर में एच पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकते थे। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने काफ़ी सारे एसिड्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा या काफ़ी सारे बेस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करा विदाउट वाटर। ओके, तो यहाँ पर ये इसका एक मेरिट है। वहीं पर अगर हम सेकंड मेरिट की बात करें तो यहाँ पर आयंस, के एसिडिक और बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, जहाँ पर अगर हम देखें अरेनियस कॉन्सेप्ट, तो अरेनियस कॉन्सेप्ट ने सिर्फ न्यूट्रल स्पीशीज के लिए ही एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट बताया था, बट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने ये आयंस को भी, इंक्लूड करा अपने डेफिनेशन में। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कुछ लिमिटेशंस, ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला लिमिटेशन तो यही हो गया कि ये डील करता है विथ प्रोटॉन एक्सचेंज ओनली। ओके, मतलब अभी हमने देखा कि डेफिनेशन क्या था कि प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो होगा एसिड, प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो होगा बेस, तो सिर्फ प्रोटॉन्स के एक्सचेंज से ही या एसिड या बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, ये इसका एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि AlCl3 या फिर आपका BF3 या फिर आपका SO2, SO3, ये कुछ ऐसे केमिकल स्पीशीज़ हैं जो प्रोटॉन मतलब डोनेट नहीं कर सकते हैं बट स्टिल ये एक तरह से एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल स्पीशीज़ के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ओके, मतलब इनके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कौन, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट देखें या थर्ड लिमिटेशन देखें तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड
NA2O, ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल स्पीशीज हैं जो कि बेसिक नेचर शो करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, बट ये एच पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, मतलब विदाउट एक्सेप्टिंग एच पॉजिटिव ये बेसिक नेचर शो करते हैं। ओके, तो इन ये इस टाइप के सब्सटेंस या इस टाइप के बेसिस के लिए भी ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट फेल। ओके, जैसे सेकेंड पॉइंट पे हमने देखा था ये कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो कि एसिडिक नेचर शो करते हैं लेकिन ये एच पॉजिटिव रिलीज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। देन आपका कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिक नेचर शो करते हैं बट एच पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार हम समराइज कर देते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला अरेनियस कॉन्सेप्ट, अरेनियस कॉन्सेप्ट आपका आया अराउंड 1887 में, फिर आपका ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एसिड बेस के लिए आया 1923 में, और फिर आपका लिविस कॉन्सेप्ट ये आया आपका 1938 में। इस वीडियो में हमने समझा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और अरेनियस कॉन्सेप्ट और लिविस कॉन्सेप्ट। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि जितने भी अरेनियस एसिड हैं, ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ओके, एंड ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस, जितने भी ब्रॉन्स्टेड के बेस हैं वो क्या है, लिविस बेस ऑल्सो। ओके, क्योंकि अरेनियस एसिड क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव रिलीज करते हो। ओके, और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी एच पॉजिटिव क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और लिविस बेस जो होते हैं, लिविस बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं, वहीं पर ब्रॉन्स्टेड बेस एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, बट एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी करते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड बेस जो होते हैं वो लिविस बेस भी होते हैं। ये अरेनियस एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर, और या फिर लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, इसको डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।